आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जी। अरे सुमित भैया, गंदा पानी मैं तो नहीं नहाऊंगा। अबे सिंचन यार, एक तो ये अपा को अपने स्विमिंग पूल के अंदर नहाने दे रही, तो ऊपर से गंदा बोल रहा पानी को। यार तू पागल है यार, सही में माफ करना। ठीक है मैडम जी, प्लीज माफ करना। अरे फ्रैंकलिन जी रहने दीजिए ना, वो तो छोटा बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती बिल्कुल भी। वैसे आपके स्विमिंग पूल को क्या हो गया? हमारे स्विमिंग पूल को कुत्ते खा गए। कुछ नहीं यार, हमारा चौब जो कुत्ता है ना, वो अपनी पूरी गैंग के साथ और एक बहुत ही बड़ी वाली वेल मेरे स्विमिंग पूल के अंदर डाल दी। पता नहीं वो क्या करना चाहता है, पागल हो गया है शायद। आओ मेरे बाम, कोई बात कर रहा है शायद। चलो गाइस, शुक्रिया यार आपका बहुत ज्यादा आंटी जी। क्या बोला आंटी? अरे मतलब सॉरी मैडम जी, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अरे सुन दिया, चाकू क्यों निकाल रखा, अंदर डाल लो। हाँ डाल लिया। ओके तो चलो गाइस चलते। अरे एक सेकंड, फोन किसका आ रहा है? अरे टोनी का। हाँ टोनी, क्या हो गया? अरे इसमें जल्दी यहाँ पर आओ, बहुत ही बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है, लड़ाई हो गई है यहाँ पर, खतरनाक वाली। क्या, किसके बीच में? जल्दी आओ, बहुत सारे लोग आ गए हैं लड़ाई करने के लिए, जल्दी आओ, तुम्हें इसे सोल्व करना होगा, हमसे नहीं रुक रही है लड़ाई। आता हूँ, डोंट वरी, अभी आया। अरे सुमित भैया किसका फोन है? अरे भाई टोनी का फोन है, बता रहा भाई खतरनाक वाली लड़ाई हो गई है। क्या सुमित भैया, लड़ाई हो गई? फिर अपना क्या काम वहाँ पर? अब बोल रहा बहुत सारे आदमी आ गए। अरे सुमित भैया ऐसे क्या, पूरा लॉस सैंटोस उठ के चला गया वहाँ पर मुंह मारने? भाई पता नहीं यार, जाके देखते, क्या पता यार क्या हो रहा हो, क्या पता अपनी हेल्प चाहिए वहाँ पर, कितने लोग आ गए होंगे ऐसे। हाँ सुमित भैया जल्दी चलो फिर। अबे यहाँ से कैसे निकालोगे? अब निकल गई। चलो गाइस यार चलते हैं जल्दी से, आखिर क्या हो गया, देखता हूँ जाकर। अरे सुन लिया, बाहर तो किसी की भी गाड़ी नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई लॉस सैंटोस के वासी आए हैं। अबे भाई क्या पता अंदर भीड़ लगा रखी हो यार। अरे सुमित भैया गाड़ियों के टायरों के तो निशान है, क्या पता कितने लोग हो अंदर। चलो गाइस यार देखता हूँ आखिर भाई किसके बीच में लड़ाई हो गई। रुको, अरे सुमित आ गया, रुक जाओ, लड़ाई मत करो, मैं आ गया। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे सुन लिया, यहाँ पर तो थोड़े से लोग है। अबे टोनी क्या हो गया, किसके बीच में लड़ाई चल रही है? टीवी मैन की फैमिली सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। हमने क्या चूड़ियां पहनी हैं, हम भी बहुत ताकतवर हैं। स्केपडी टॉयलेट जिंदाबाद, सबसे ताकतवर है स्केपडी टॉयलेट। हमारी फैमिली ज्यादा ताकतवर है। अरे रुको, लड़ाई करना बंद करो, अवेंजर्स की भी मानो। हल्क कहता है लड़ो। अरे हल्क तुम तो चुप ही रहो। आइला ये हल्क तो हमेशा ही उल्टी बात करता है। अरे हाँ डस लूंगा। अरे बात सुनो, कोई लड़ाई मत करो। अरे सुमित तुम ही सोल्व करो, ये दोनों लड़ रहे हैं। स्किबडी टॉयलेट फैमिली और साथ में टीवी मैन की फैमिली आपस में लड़ने लग रही है, बोल रही है कौन ज्यादा ताकतवर है, सोल्व करो इनका प्रॉब्लम। हम ही ज्यादा ताकतवर है, ये तो है ही, ऑफ कोर्स सी बात। अरे हमने क्या चूड़ियां पहनी है, फिर बोलते हैं हम बहुत ताकतवर है, तुम्हारी बैंड बजा देंगे, मंडिया फाड़ देंगे तुम लोगों की सारी, देख रहे हम कितना ताकतवर है। अरे मेरी बात सुनो, लड़ाई करने से किसी को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तुम लोग लड़ाई बंद करो। अरे सुमित तुमने तो हमें इतनी बार यूज किया है, इनको बताओ ना कौन ज्यादा ताकतवर है। अरे यार हमने तुम्हें कितनी बार धूल चटाई है, तुम बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है। अब भाई मैं नहीं बता रहा किसी को कौन ज्यादा ताकतवर है। अरे सुमित भी अब क्या इनका सोल्यूशन निकाले। अबे यार इनकी फैमिली इनके गांव जाके पता लगेगा इन कौन से ज्यादा पावरफुल है। अरे सुमित क्या इनका कोई गांव भी है? अबे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, क्या पता इनका कोई गांव हो। हाँ सुमित हमारा एक गांव है जिसका नाम है जीमाड़ा। क्या जीमाड़ा? हाँ हमारे एक गाँव है जिसका नाम है जीमाड़ा। तो चलो गाइस यार वहां पर चलते हैं, वहां पर पता लगेगा कि यार टीवी मैन की फैमिली ज्यादा ताकतवर है या फिर स्केवडे टॉयलेट्स की फैमिली ज्यादा ताकतवर है। चलो बैठो जल्दी सी गाड़ी के अंदर। अरे सुमित भैया बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं लेके आ गए क्या? अबे घुस जाओ यार, फंस जाओ सारे, चलते बस यहाँ से जल्दी सी। तो गाइस यार यहाँ पर तुम्हारा भाई लेके आ चुका सबसे बड़ा वाला प्लेन। अरे सुमित भैया सामने एक छोटा प्लेन जा रहा है, उसको टकरा जाओगे? अबे नहीं मोड़ लूंगा मैं आराम से। अरे क्या सुमित भाई, इतने सारे मासूम लोग मारे गए, तुमने सबको मरवा दिया। अबे भाई साहब मेरे को चलाने नहीं आते इतना फिर ये। अरे सुमित भैया फिर पायलट क्यों नहीं रख लिया? अबे यार जीमाड़ा गाँव में किसी कोई नॉर्मल इंसान को तो लेके थोड़ी जाने वाला हूँ मैं, किसी पायलट को क्यों लेके जाऊँ। अरे ठीक है सुमित भाई, पर ये तो बता दो आखिर है क्या वो जीमाड़ा गाँव? तो गाइस यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर ये जीमाड़ा गाँव है कहाँ पर। वो लॉस सैंटोस उससे बहुत ज्यादा दूर है, वो असल में एक अलग ही यूनिवर्स में है। कहते हैं बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, जैसे ये GTA यूनिवर्स है, वो असल में रहता है जीमाड़ा यूनिवर्स के अंदर इनकी फैमिली। तो गाइस यार उसके लिए मेरे को बहुत ही ज्यादा तेज वेलोसिटी चाहिए, मतलब बहुत तेज स्पीड चाहिए, और जैसे ही मैं बहुत तगड़ी वाली स्पीड अचीव करूंगा वैसे मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। अरे सुमित भैया इतनी ऊंचाई पर क्यों लेके जा रहे हो, और अब ये क्या इतनी स्पीड से नीचे क्यों लेके आ रहे हो? अरे सुमित क्या करना चाह रहे हो तुम? अबे भाई साहब जैसे हम समुद्र के पास आएंगे वैसे वो पोर्टल खुल जाएगा। अरे सुमित बस हम टकराने वाले है पानी से। लो भाई सब पोर्टल खुल गया और हम टेलीपोर्ट। अरे सुमित भैया ये कहां पर आ गए हम लोग? असल में यही तो है जीमाड़ा गांव। अरे सुमित भैया गांव तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, तो पूरी सिटी है। पर गाइस यार यहां पर असल में रहती है स्केबडी टॉयलेट्स की पूरी फैमिली और कैमरामैन की भी पूरी फैमिली। हमारे लॉस सैंटोस के अंदर कुछ ही स्केबडी टॉयलेट्स है और कुछ हमारे पास टीवी मैन है, पर गाइस यार यहां पर एक भी इंसान नहीं है, यहां पर सिर्फ कौन रहते हैं स्केबडी टॉयलेट्स
फेवरेट्स और टीवी मैन। तो गाइस और यहाँ पर होने वाला है घमासान युद्ध, और जो भी लड़ाई जीतेगा उसे एक पॉइंट मिलेगा और हारने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। एंड में जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो फैमिली ज्यादा ताकतवर होगी। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर सबसे पहले मैं बुलाता हूँ कुछ स्किबिड टॉयलेट्स को। अरे सुमित भैया, ये कैसे बुला रहे हो तुम? अब यही तो जीमाड़ा गाँव की स्पेशलिटी है। यहाँ पर जो अपने हाथ में गन है ना, इससे अपा बहुत सारे टीवी मैन भी बना सकते हैं और अपा बहुत सारे स्किबिड टॉयलेट्स भी बना सकते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पर मैंने सबसे नॉर्मल वाले स्किबिड टॉयलेट्स यूज किए हैं। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं तीन सबसे नॉर्मल वाले टीवी मैन। अरे सुमित, टीवी मैन तो यूज करो। अब यार सीसीटीवी भी तो यार टीवी मैन की फैमिली में आते हैं। तो गाइस यार, यहां पर हमने रख लिए है तीन नॉर्मल सीसीटीवी वर्सेस तीन नॉर्मल स्केबिड टॉयलेट्स। तो चलो गाइस यार राउंड शुरू करते हैं। तो यार यहां पर पहला राउंड शुरू हो चुका है, लड़ाई हो रही दबा दब। और गाइस यहां पर कौन जीतेगा? अरे सिमले, पता नहीं कौन जीतने वाला है। अरे कहां गए ये लोग? अरे सिमले, वो ऊपर चले गए हवा में। अबे भाई कौन जीतेगा? बहुत ज्यादा इंटेंस माहौल बन रहा है यहां पर। तो गाइस यार मेरे को लगता है, अरे ये क्या सुनचैन? अरे सिमरिया, जो ही मैं देख रहा हूँ वही हुआ है क्या? अबे भाई साहब, ये क्या खेल रहे भाई? भाई इससे कोई बैडमिंटन खेल रहे क्या, टेनिस खेल रहे? लोग कैसे फेंक रहे इसको बार बार? अरे सुमित भैया, यहाँ पर तो एक भी स्किबिड टॉयलेट नहीं मरा और यहाँ पर सीसीटीवी मर चुका है। ओ गाइस यार, यहाँ पर देख रहे हो सारे सीसीटीवी ढेर हो चुके हैं और यहाँ पर जीत मिलती है स्किबिड टॉयलेट्स को। तो गाइस यार पहला पॉइंट जाता है स्किबिड टॉयलेट्स को। भाई एक पॉइंट के साथ आगे चल रहे स्किबिड टॉयलेट। हमने बोला था हम ज्यादा ताकतवर है। तो गाइस यार, यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए यार मैं बुला रहा हूँ थोड़े बड़े सीसीटीवी को। देख रहे यार, इनके सिर के ऊपर थोड़ा बड़ा सीसीटीवी है, कैमरा ही है ये भी एक तरीके का। ओके, तो गाइस यार यहाँ पर ये हो चुके तीन खतरनाक वाले सीसीटीवी कैमरा बॉय। और भाई यहाँ पर आगे खड़े कर देता हूँ यहाँ पर तीन नॉर्मल स्किबिड टॉयलेट्स। चलो चार कर देते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है जो सामने अपने कैमरा मैन है ना वो ज्यादा बड़े हैं इन टॉयलेट मॉन्स्टर से। तो चलो गाइस यार देखते हैं यहाँ पर कौन जीतने वाला है। अरे सुमित भैया, ये तो फिर से बैडमिंटन खेल रहे हैं। अरे सुमित भैया, कौन जीतेगा? तो गाइस यार मुझे तो यहाँ पर लग रहा है इस बार हमारी कैमरा टीम जीतने वाली। अब ये क्या, एक कैमरामैन मारा जा चुका है। अरे सुन गया, दो स्किबिड टॉयलेट्स भी मारे जा चुके हैं और ये क्या, हम यहाँ पर जीत गए। ओ गाइस यार, यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमारा यार एक कैमरामैन मर चुका है, पर यार यहाँ पर हमें जीत मिल चुकी है, सारे स्किबिड टॉयलेट्स हार चुके हैं। तो यहाँ पर स्कोर होता है 1-1। तो गाइस यार यहाँ पर अब बुलाते हैं हम क्रैबर वाले स्किबिड टॉयलेट्स को। देखो यार, ये आपने देखे होंगे यार GTA 5 के अंदर। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये तीन स्वैप कर दिए हैं। देख रहे हो यहाँ पर ये तीन स्किबिड टॉयलेट्स हैं। अब सामने जाके हम यहाँ पर स्वैप कर देते हैं तीन बड़े वाले कैमरा। ओ माय गॉड, यहाँ पर कैमरामैन वर्सेस फाइट स्टार्ट, लेट्स गो। अरे सिमटे, कौन जीतेगा? पता नहीं भाई सिंचन, यहाँ पर फाइट काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है। मेरे को लगता है फिर से यार जीतने वाले हैं कैमरामैन। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, दे ला तोड़ दे ये ले। अबे ये क्या, ओए गाइस व्हाट द हेक यार, यहाँ पर एक भी स्किबिड टॉयलेट नहीं मरा है और गाइस यहाँ पर सारे कैमरामैन मर चुके हैं। हमारा पॉइंट, दो पॉइंट। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर पॉइंट होते हैं दो स्किबिड टॉयलेट्स के और एक होता है हमारे कैमरामैन का। यहाँ पर भाई हम लोग लॉस में चल रहे फिलहाल। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर थोड़े और बड़े कैमरामैन को बुलाते हैं। तो गाइस यार देख रहे हो इनके हाथ में ये स्पेशल टाइप की गन है। यार मेरे को लगता है ये गन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है और भाई उन स्किबिड टॉयलेट्स की तो बैंड बजने वाली। तो गाइस यार यहाँ पर भाई फाइट हो चुकी है शुरू। ओ गाइस यार, लेजर पे लेजर मारी जा रही है और भाई ये देख रहे हो ना कैसे ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं। अरे सुन दो, ठुमक ठुमक के नहीं नाच रहे, ऐसे भाग भाग के मार रहे हैं। तो गाइस यार इनको बहुत अच्छी तरीके से फाइट करनी आती है ये वाले कैमरामैन को स्किबिड टॉयलेट से। देख रहे हो यार ये कैसे दूर भाग भाग के इनको मार रहे हैं, पर जीतेगा कौन? यहां पर बहुत ही खतरनाक वाली इंटेंस फाइट चल रही है। अरे सुन भैया, ये क्या, हमारा एक कैमरामैन मर चुका है। और गाइस यहां पर ये दोनों कहां जा रहे हैं? अबे यहां पर क्यों फाइट कर रहे हो, वहां ग्राउंड में करो ना। ओ शिट, दो कैमरामैन मर चुके हैं। अरे सुन भैया, अरे ये क्या, अभी यहां पर चार स्किबिड टॉयलेट जिंदा है। ओके, तो भाई साहब यहां पर क्या होने वाला है, अभी तीन स्किबिड टॉयलेट और जिंदा है, कौन जीतने वाला है? अरे सुमित भैया, स्किबिड टॉयलेट फिर से जीत गए। तो गाइस यहां पर स्कोर होता है 3-1। तो गाइस यहाँ पर हमने बुला लिए सबसे बड़े वाले कैमरामैन। व्हाट द हेक गाइस, लुक एट दैट यार, ये कितने ज्यादा बड़े और ये कितना ज्यादा ताकतवर है। अरे सुमित भैया, इस बार तो हम ही जीतेंगे। गाइस तुम लोग किनके साथ हो यार, स्किबिड टॉयलेट्स के साथ हो या फिर कैमरामैन के साथ हो? तो चलो गाइस यहाँ पर मैं थोड़े और स्किबिड टॉयलेट्स स्वैप कर देता हूँ, चार नॉर्मल और चार वो वाले। अरे क्या हुआ, ये नीला नीला क्या था? अरे एक सेकंड, अपन तीनों ने तो इनको ऐसी मसल दिया यार। अरे सिमरिया, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, ये तो ओवर पावर हो गए। और भाई इनकी तो बैंड बजा दे, खिंडा दिया इनको। तो गाइस यहाँ पर स्कोर होता है 2-3 और भाई साहब अब भी एक पॉइंट के साथ लीड कर रहे हैं स्किबिड टॉयलेट्स। तो गाइस यार यहाँ पर अब हमने स्वैप कर दिए थ्री हेडेड स्किबिड टॉयलेट्स और ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार इस बार ये लोग जीतने वाले, क्योंकि थ्री हेडेड स्किबिड यार बहुत पावरफुल होते हैं, इनको हराना चाहिए। चलो गाइस यार अब हम स्वैप करते हैं यहाँ पर तीन खतरनाक वाले कैमरामैन। ओके, तो गाइस
जहाँ पर फाइट हो चुकी शुरू, कौन जीतेगा? ओ वो दी हैक, अरे सुमित भैया फिर से जीत गए कैमरामैन। ओ गाइस यहाँ पर 3-3 का स्कोर बराबरी हो चुकी, और भाई इतने बड़े 300 स्किबिडी टॉयलेट को इन्होंने ऐसे चकनाचूर कर दिया भाई, ये तो सेमी बहुत ज्यादा ताकतवर है यार। हाँ सुमित भैया कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है ये तो। चलो गाइस यार इस बार मैं करूंगा एक कैमरामैन वर्सेस ये इतने सारे स्किबिडी टॉयलेट भाई, 300 वाले और ये सारे चार हो गए भाई, एक के ऊपर लड़ाई करेंगे सारे मिलके, देखते यार कौन ज्यादा पावरफुल है। अरे समझे एक से तो ना इंसाफी हो जाएगी शायद। ओ भाई साहब मेरे को तो ऐसा लग रहा भाई इस बार यार मेरे को लगता है कि यार कैमरामैन हारेगा और उसके वीडियो टॉयलेट्स को एक पॉइंट मिलेगा। अरे सुमित भैया इतने सारे लोग एक आदमी को मारेंगे तो मिलके ऐसे ही होगा ना। अभी क्या हुआ मेरे को लगा भाई सारे खत्म हो गए। अरे सुमित भैया देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है। गाइस तुम्हें कौन लगता है कौन जीतेगा और आप लोग किसे सपोर्ट करते हो ये भी बता दे यार जल्दी से। अरे सुमित क्या लड़ाई चल रही है? हल्क तो टॉयलेट मॉन्स्टर के साथ है। अब हल्क तो दूसरों के विरुद्ध क्यों रहता है हमेशा? अरे सुमित भैया ये पागल है, हल्क तो तुम छोड़ो। ओए एक सेकंड, एक बंदे ने इतने सारे स्किबिडी टॉयलेट्स को अकेले मार डाला। ओ माय गॉड कैमरामैन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर स्कोर होता है 4-3 और यहाँ पर एक पॉइंट से आगे लीड में चल रहे हैं यार कैमरामैन। अरे सुमित भैया ये क्या है? तो गाइस यार यहाँ पर हमने अब नए स्किबिडी टॉयलेट्स मंगा लिए हैं। ये है भाई पुलिस स्किबिडी टॉयलेट और ये वाले पहले से ज्यादा ताकतवर है, और यार ये बहुत ज्यादा छोटे है ना इसलिए यार इनको मैं बड़ा कर रहा हूँ। अरे सुन ये क्यों कर रहे हो तुम? अब भाई ये जिमाड़ा सिटी है ना, इसके अंदर ऐसी पावर्स भी है जिससे भाई टॉयलेट मॉन्स्टर बड़े हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर 3 बड़े बड़े यहाँ पर टॉयलेट मॉन्स्टर, और गाइस यहाँ पर एक हमारा स्पीकर मैन है, 3 स्पीकर मैन कर देता हूँ। अरे सुमित भैया कौन जीतेगा यहाँ पर? पता नहीं, पर गाइस यार मैंने 3 इसलिए किया क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा ताकतवर था कैमरामैन, तो इसलिए हमने ये यूज किया इस बार। अबे भाई साहब ये कैसी वाइब्रेशन कर रहे हैं? अबे ओए एक सेकंड, वो लोग कहाँ गायब हो गए सारे के सारे? अरे सिमजे मेरे को लगता है ये लोग खा गए उनको। अब भाई साहब ये क्या चक्कर था भाई, ये लोग तो ऐसे हार गए, ये स्पीकर मैन तो बहुत कमजोर थे। 3 और बुला लिया यार मैंने, इस बार देखते हैं। ओए एक सेकंड इनको फ्लश कर दिया एक ही बारे में। अरे सिमजे यार ये तो चीटिंग हो गई, ये काम करो फिर से शुरुआत करो। 3 स्पीकर मैन वर्सेज 3 बड़े वाले स्किबिडे टॉयलेट्स पुलिस वाले। ओके तो चलो गाइस यार फिर से फाइट करते 3-3, इस बार देखते कौन जीतेगा। तो गाइस यहां पर सबसे पहले इन्होंने गाने बजाए स्पीकरों से, अब देखते कौन जीतने वाला है। यहां पर एक देखो इन्होंने फ्लश कर दिया है काफी अच्छी टेक्निक से, एक स्किबिडी टॉयलेट वहां पर है और यहां पर भाई ये तीनों मिलकर एक को मार रहे हैं। भाई ये काफी अच्छा कर रहे हैं भाई, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है स्पीकर मैन जीतने वाले हैं? अरे सुन ले स्पीकर मैन जीतेंगे ही। अबे ये क्या, ओए मेरे को तो लगा भाई जीत गए पर यार एक स्किबिडी टॉयलेट ने उन तीनों को मार डाला। ओ माय गॉड यार ये तो काफी पावरफुल है जमी। तो चलो गाइस यार अब अगले स्किबिडी टॉयलेट्स को ट्राई करते हैं। यहां पर मैंने बुला लिए गुंडे स्किबिडी टॉयलेट्स। अरे सुन भैया मेरा फोन मेरी जेब में है ना, क्यों डर गया क्या? अरे सुन दे चोरी कर लेंगे तो। और गाइस पर हमने स्वैप किया है ये स्पीकर मैन, और ये पहले से अलग है क्योंकि इसका एक हाथ रोबोट का है। मेरे को लगता है कि हमें एक बड़ा वाला कैमरा मैन अब लगा ही देना चाहिए यार, देखते हैं यार ये किनको हरा पाते या नहीं। अरे सुन क्या हुआ, समझ नहीं आया भाई क्या हो रहा है ये? अबे क्या हो रहा, कौन जीतेगा? अबे भाई अबे ये क्या सिस्टम है? अरे सुन सिस्टम तो हैंग है। ओ भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो कोई ब्लैक होल की तरह से ही। हां सुन कोई ब्लैक होल ही है भाई, ये तो कुछ अलग ही पावर भाई इन चीजों के अंदर, तो मेरे को तो पता ही नहीं था यार। चलो फिर से ट्राई करते हैं एक और बार। तो गाइस यहां पर रखा है हमने 3 स्पीकर मैन और यहां पर 3 वही गुंडे। तो चलो गाइस यार देखते हैं इस बार कौन जीतने वाला है। और भाई साहब इस बार मैंने वो बड़े वाले कैमरा मैन को नहीं रखा है क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा पावरफुल है सेमी। तो गाइस यार देखते हैं यार कि ये लोगों को हरा पाते या नहीं हरा पाते। ओ भाई एक को गायब कर दिया और ये दूसरे को भी गायब कर दिया, अब बस आई ये तीसरा लास्ट, और यार इसको क्या गायब कर पाएंगे लोग? और यार ये भाई एक मर चुका है इनमें से, एक स्पीकर मैन मर चुका है, पर गाइस यार इन्होंने ये जीत गए यहां पर। भाई कितने पावरफुल है भाई ये वाले सेमी यार। को गाइस यार यहाँ पर देखो कितने बड़े स्किबिडी टॉयलेट्स आ चुके, ये है असल में इनका नाम नहीं पता यार मेरे को। अरे सुन दे चिल्लाने वाले स्किबिडी टॉयलेट्स, इनका मुंह देखो कितना ज्यादा बड़ा है। अबे भाई साहब सिंचन बड़े अजीब से हैं भाई, ऐसे गाड़ी की तरह है। और गाइस यार सबसे मोस्ट अवेटेड थिंग यार ये है वो बंदा, आपने इसको बहुत बार देखा होगा यार फाइट्स के अंदर, ये सभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो बूम 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 बूम, ओ माय गॉड जीत गए। अरे सुन दे जीत गए हम तो। अबे ये क्या हुआ, अरे सिमरे ये क्या हो गया, हमारा हीरो तो हार गया। ओ भाई साहब भाई ये 3 स्किबिडी टॉयलेट्स तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमारा स्पीकर मैन हार गया भाई, हमारा लाल वाला स्पीकर मैन हार गया भाई, मैं तो इसको बहुत ज्यादा पावरफुल समझता था यार स्पीकर टाइटन। चलो गाइस यार अब 3 को स्वैप करते हैं, अब 3-3 होगा, अब होगी बराबरी यार, अब देखते कौन जीतता है। अरे सिमरिया ओ बेटे क्या खतरनाक तरीके से बमबारी हुई, ओए हम लोग जीत गए। अरे सिमरिया एक काम करो, पहले इन लोगों ने 3 से अकेले से फाइट की थी, अब तुम एक काम करो 3-3 करो, ठीक है ना? बिल्कुल प्रॉपरली
की। ओके, 3 vs 3 इस बार अच्छी तरह फाइट होगी। अब बार देखते कौन जीतता है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने चलाई बहुत खतरनाक वाली तोपे, मिसाइल्स पे मिसाइल चलाई जा रही है। और गाइस यार वहाँ पर 2v1 हो रहा है, यहाँ पर 1v2 हो रहा है। और गाइस यार वहाँ पर हमारा स्पीकर मर चुका है। और गाइस यहाँ पर कौन जीतेगा, काफी इंटेंस माहौल है। और यहाँ पर 1v1 और ये खत्म हो गया। तो गाइस यहाँ पर हमारा एक रेड टाइटन स्पीकर जिंदा है और 2 मर चुके हैं, पर यहाँ पर जीत हुई है स्पीकर की। ओ माई गॉड, बहुत ज्यादा मजा आया सेमी। हाँ सेमी, मजा तो बहुत ज्यादा आया सेमी, कूल है, बहुत ज्यादा कूल। तो गाइस चलो अब नए स्केबिडी टॉयलेट्स को मंगाते हैं। तो गाइस यार ये हो गए जॉइंट स्केबिडी टॉयलेट्स, और ये सेमी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक टाइम पे ये बोझते हैं। और गाइस यार यहाँ पर हमने मंगाया है 5-headed TV man। तो गाइस यार देखते क्या होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले मारी लेजर, और ये देखो भाई साहब, भाई इसने अपना चमत्कार शुरू कर दिया। आपने देखा होगा मेरे GTA 5 के गेम प्लेस के अंदर। अरे ये क्या, अबे ओ शिट, ओ भाई ये तो हार गया। अरे सुन भैया, ये कुछ ज्यादा बड़े हो गए ना, इसलिए ये इनको नहीं हरा पाया। जायंट स्केबिडेड टॉयलेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारा टीवी मैन हार गया यहाँ पर। तो चलो गाइस यहाँ पर अब मैं 3 multiple TV man मंगा लिए हैं। अब देखते क्या होता है, इस बार कौन जीतने वाला है। अरे सुमित भैया इस बार तो लगता है टीवी मैन ही जीतेंगे, 3-3 हो गए ना। ओके तो गाइस यार देखते हैं यहाँ पर कौन जीतने वाला है। पर ये क्या भाई साहब, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चाहे तुम 4 मंगाओ या 3 मंगाओ, ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गए। तो चलो गाइस यार जिसका सबसे ज्यादा मुझे इंतजार था वो है ये, हाँ समित भैया, जायंट टीवी मैन। और गाइस यहाँ पर ये तीनों से लड़ाई करने वाला है अकेला। देखते हैं यार यहाँ पर क्या होने वाला है। ओ माई गॉड, यहाँ पर एक को नॉकआउट कर दिया, बचे 2, और ये दूसरे को भी नॉकआउट कर दिया, बचा ये लास्ट वाला। अरे सबको ही नॉकआउट कर दिया सिंचन इसने। अरे समित भैया ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस यार ये तो असल में GTA यूनिवर्स में भी सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये वाला टीवी मैन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसका नाम है मेका टीवी मैन, और ये तो अभी अपनी अल्टीमेट फॉर्म में है नहीं। और गाइस अभी तो तुम्हें पता नहीं है कितने खतरनाक स्केबिडी टॉयलेट्स बचे हैं, उनसे फाइट करना बाकी है। और बहुत ज्यादा ताकतवर टीवी मैन भी बचे हैं यार, वो देखना कितने बड़े और कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। और गाइस यार आप लोग देखना चाहते हो और भी खतरनाक टीवी मैन, और भी ज्यादा ताकतवर स्केबिडी टॉयलेट जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि सुमित भैया इसका Part 2 जरूर लाना। और गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी नेक्स्ट वीडियो लाइक करते हैं, चैनल पे पहली बार भूले बैठा है तो याद से सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में। जब तक के लिए सायोनारा।